दोस्तों गर्मियों के सीज़न में कूलर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है क्योंकि कूलर सबसे अफोर्डेबल तरीका है रूम को ठंडा करने के लिए। तो अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट कूलर खरीदना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कूलर्स के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा उनके प्रोज एंड कॉन्स और वो सारे फीचर्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बेस्ट कूलर कैसे खरीदते हैं, आपको मैक्सिमम कितने रुपए खर्च करने हैं एक कूलर खरीदने के लिए। आपको एक ब्रांडेड कूलर लेना है या फिर नॉन ब्रांडेड, आपको टीन बॉडी का कूलर लेना है या फिर प्लास्टिक बॉडी का, कूलर आपको कैसे और किस जगह सेट करना है, क्या एक कूलर आपके रूम को ठंडा कर पाएगा, अगर कूलर रूम ठंडा नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक एसी लेना चाहिए या फिर एक कूलर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एकदम एक आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट में जानते हैं कि एक कूलर काम कैसे करता है। कूलर बाहर से हवा को खींचकर कूलिंग पैड पे डालता है जो उसको इवेपोरेट करता है और कूलर में लगा फैन उसको आगे फेंकता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि कूलर से बेस्ट कूलिंग लेने के लिए हमें चार चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो उसको बाहर से हवा मिल रही है या नहीं, उसमें लगे कूलिंग पैड्स की क्वालिटी कैसी है, वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है और उसमें फ़ैन लगा है या फिर ब्लोअर लगा है। ब्लोअर एक फ़ैन से ज़्यादा हवा फेंकता है तो आपको बड़े रूम के लिए एक ब्लोअर वाला कूलर ही बेस्ट रहेगा। कूलिंग पैड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल वुड वूल वाला और दूसरा होता है हनी कॉम पैड। जो वुड वूल वाला पैड है उसकी लाइफ भी कम होती है और उसको आपको एक सीज़न के बाद चेंज करना पड़ता है। बाहर से जो धूल मिट्टी आती है वो इसमें जम जाती है और इसको क्लीन करना भी आसान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हनीकॉम पैड की लाइफ वुड वूल से 3 गुना ज़्यादा होती है और इसको आप निकाल के धो सकते हो, सुखा सकते हो और वापस क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़े महंगे होते हैं। मार्केट में आपको 4 टाइप के कूलर मिलेंगे, पर्सनल कूलर्स, डिजर्ट कूलर्स, टावर कूलर्स और विंडो कूलर। पर्सनल कूलर्स मैक्सिमम 2 लोगों के लिए ही बेस्ट होते हैं। डिजर्ट कूलर्स का मतलब भी पर्सनल कूलर ही होता है बट ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और ये 4 से 5 लोगों के लिए सफिशियंट होते हैं। उसके बाद आते हैं टावर कूलर्स जो हाइट में ऊँचे होते हैं। ये कूलर्स किसी हॉल के लिए या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोगों तक ठंडी हवा पहुँचानी है वहाँ के लिए बेस्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं विंडो कूलर्स। दोस्तों ये कूलर्स एसी की तरह ही फिट हो जाते हैं बट वर्क एक कूलर की तरह ही करते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पे आप कूलर लगाने वाले हो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि बाहर की हवा पास होने के लिए प्रॉपर विंडोज़ होनी चाहिए। अगर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो कूलर आपके रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा क्योंकि कूलर बाहर की हवा को खींचकर ही उसको ठंडा करके सामने फेंकता है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कूलर रूम को ठंडा करने के बजाय उसमें उमस यानी कि ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देगा। तो आपको वहीं पर कूलर लगाना है जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रूम के साइज से कितना बड़ा कूलर लेना है। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर रूम ज्यादा बड़ा है या फिर कूलर ज़्यादा दूर रखा हुआ है तो आपको एक ब्लोअर वाला डिजर्ट कूलर लेना ही बेस्ट रहेगा। और अगर रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है और विंडो आपके पास में ही है तो एक फ़ैन वाला पर्सनल कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि कूलर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अच्छे से हवा लग रही है या नहीं, क्योंकि कूलर एसी की तरह रूम के अंदर की हवा को ठंडा नहीं करता है। और अगर आपके यहाँ एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी यानी उमस ज़्यादा रहती है और बहुत गर्मी पड़ती है तो ऐसी जगह पर कूलर आपको अच्छी कूलिंग नहीं दे पाएगा क्योंकि कूलर ड्राई एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होते हैं। ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट के लिए एक एसी ही बेस्ट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक ब्रांडेड कूलर लेना है या फिर नॉन ब्रांडेड कूलर लेना है। दोस्तों मार्केट में नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड दोनों कूलर ही अवेलेबल होते हैं लेकिन आपको एक ब्रांडेड कूलर ही खरीदना है क्योंकि नॉन ब्रांडेड कूलर्स में एक सीजन के बाद प्रॉब्लम आ सकती है और वो ज्यादा रिलायबल भी नहीं रहते हैं। ब्रांडेड कूलर आपको एक अच्छी कूलिंग और रिलायबिलिटी भी देता है। दोस्तों मार्केट में 3 बॉडी के कूलर्स भी अवेलेबल होते हैं मगर उन कूलर्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है और उसमें मेंटेनेंस भी बहुत होता है और उसमें करंट लगने का खतरा भी ज़्यादा होता है, तो आपको प्लास्टिक बॉडी का ब्रांडेड कूलर ही खरीदना चाहिए। दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि आपको मैक्सिमम कितने रुपए तक का कूलर खरीदना है। कूलर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक लिमिट के बाद आपके रूम को अच्छे से ठंडा नहीं कर पाता है। अगर गर्मी 40 डिग्री से भी ज़्यादा पड़ रही है और उसके साथ जो आपका मौसम है वो बहुत ह्यूमिड है तो कोई भी कूलर आपके रूम को अच्छे से ठंडा नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको 10 या 12 हज़ार रुपये से ज़्यादा का कूलर नहीं खरीदना है क्योंकि 25 हज़ार रुपये में आपको एक आराम से एसी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे 5 सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको कूलर खरीदते टाइम ध्यान में रखने हैं। और आइए जानते हैं उन टॉप 5 बेस्ट कूलर्स के बारे में जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं।
दोस्तों ये सभी कूलर्स अमेजोन पे बेस्ट प्राइस में अवेलेबल हैं। सभी कूलर्स की प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों टॉप 5 बेस्ट कूलर्स की लिस्ट में नंबर 5 पे आता है बजाज प्लेटनी PX97 पर्सनल एयर कूलर। ये कूलर अमेजोन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले पर्सनल कूलर्स में से एक है। आइए जानते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। इसके प्रोज की बात करें तो ये कूलर एक पर्सनल एयर कूलर है जिसकी वजह से ये कम स्पेस में ही फिट हो जाता है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है तो आप इसे रूम के अंदर भी रख सकते हो। ये कूलर 36 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इस बजट कूलर में तीनों साइड हनीकॉम पैड्स का यूज किया गया है जिससे कि आपको इसे हर गर्मियों के सीजन के बाद चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये कूलर केवल 100 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसका मतलब है कि आप इसे इन्वर्टर पर भी आराम से चला सकते हो। इसमें आपको 4-way ऑटो स्विंग का भी फीचर मिल जाता है और ये कूलर 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। हर प्रोडक्ट में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, तो आइए जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में। इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो एवरेज है और थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। इसमें आपको आइस चैम्बर नहीं मिलता है, बट मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन में कूलर को रखोगे तो आपको अच्छी कूलिंग जरूर मिलेगी। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एक बजट पर्सनल एयर कूलर, तो इससे बेस्ट ब्रांडेड कूलर आपको नहीं मिलेगा। ये कूलर आपको अमेजोन पर 5,000 से 6,000 रुपए में ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर अमेजोन पर इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है हिंडवेयर HPW डिजर्ट एयर कूलर। इसके प्रोस की बात करें तो ये कूलर 90 लीटर के वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे किसी और ब्रांडेड कूलर में नहीं मिलेगी। इसमें आपको हनीकॉम पैड्स मिलते हैं जो लंबे समय तक अच्छी कूलिंग देता है। इस कूलर में 200 वॉट का 5 ब्लेड्स का फैन लगा हुआ है जो 30 मीटर तक एयर थ्रो कर सकता है। इसको आप इन्वर्टर पर भी बड़े आराम से चला सकते हो। इसमें आपको वाटर इनलेट पॉइंट भी मिल जाता है जो काफ़ी हेल्पफुल फीचर है, और साथ ही आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको आइस चैम्बर या फिर वाटर ओवरफ्लो अलार्म जैसे फीचर नहीं मिलते हैं। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी सिंपल कूलर चाहिए एक बिग वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ जो 4 से 5 लोगों के लिए सफिशियंट हो, तो ये कूलर आपके लिए बेस्ट है। हिंडवेयर के कूलर आपको अमेजोन पर 9 से 10,000 रुपये में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अमेजोन पर जाकर इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो। दोस्तों नंबर 3 पे आता है कैनस्टार कूल डिजर्ट एयर कूलर। इसके प्रोस की बात करें तो ये कूलर 80 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और 80 लीटर टैंक होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। इस कूलर में 200 वाट का फैन लगा हुआ है जिसको आप इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हो। हनीकॉम पैड और आइस चैम्बर की वजह से ये कूलर बहुत ही अच्छी कूलिंग देता है, और अगर आपके रूम में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन है तो ये हाई टेम्परेचर पर भी आपके रूम को अच्छे से ठंडा कर देगा। इसमें आपको ऑटो स्विंग और लो वाटर अलार्म का भी फीचर मिल जाता है जो काफ़ी हेल्पफुल है, साथ ही आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इस कूलर में अगर फैन की जगह एक ब्लोअर का यूज़ किया गया होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। फैन की वजह से जो एयर थ्रो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़े रूम के लिए ये कूलर सूटेबल नहीं है। बट ये कूलर 5 लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आपको एक 45 स्क्वायर मीटर तक के मीडियम साइज में इसको यूज़ करना है तो ये कूलर से आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। कैनस्टार का ये डिजर्ट एयर कूलर आपको अमेजोन पे 9 से 10,000 रुपए में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर अमेजोन पर इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है क्रॉम्पटन ओजोन डिजर्ट एयर कूलर। अगर इस कूलर की प्रोस की बात करें तो उसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आपको 55 लीटर 75 लीटर और 88 लीटर का वाटर टैंक का ऑप्शन मिल जाता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 190 वाट का फैन लगा हुआ है जो इन्वर्टर कंपेटेबल है। इसके फैन की एयर थ्रो 25-30 फीट तक चली जाती है जो एक फैन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। हनीकॉम पैड्स इसमें यूज किए गए हैं और इसमें आपको आइस चैम्बर भी मिल जाता है, तो कूलिंग के मामले में ये कूलर बहुत जबरदस्त है। इसमें आपको 4-way ऑटो स्विंग का भी फीचर मिल जाता है और साथ ही आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको वाटर ओवरफ्लो अलार्म के साथ एक ब्लोअर फैन मिल जाता तो ये कूलर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच जाता। तो अगर आपको एक बढ़िया डिज़ाइन वाला क्वालिटी एयर कूलर चाहिए एक मीडियम साइज रूम के लिए, तो ये कूलर आपके लिए बेस्ट है। ये कूलर आपको अमेजोन पे 9 से 10,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं नंबर 1 कूलर की, जो है सिम्फनी स्टॉर्म डिजर्ट एयर कूलर। इसको कंपनी ने अभी न्यू लॉन्च किया है। अगर ब्रांडेड कूलर्स की बात की जाए तो सिम्फनी सबसे ज़्यादा कूलर्स बेचती है। आइए जानते हैं क्या है इसमें ऐसा खास जो इसको नंबर 1 बनाता है। सबसे पहले तो ये कूलर डिज़ाइन और प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में सबसे बेस्ट है।
ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इस 70 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है जो दो दिन के लिए सफिशियंट है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 207 वाट का एक ब्लोअर फैन मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो एयर थ्रो है वो 30 से 45 फीट तक चला जाता है और एक बड़े रूम को भी अच्छे से कूल कर देता है। इसमें हनीकॉम पैड्स का यूज किया गया है, साथ ही इसमें आपको कूल फ्लो डिस्पेंसर भी मिल जाता है जो बाकी कूलर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी कूलिंग देता है। कंपनी ने इसमें IPR टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है जो PM2.5 अनप्योरिफाइड एयर को भी क्लीन कर देता है। ये ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज के लिए सबसे बेस्ट कूलर है। इसमें आपको ऑटो शट ऑफ का भी फीचर मिल जाता है, तो अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये कूलर आपकी मोटर को खराब होने से बचाएगा। इसके साथ ही 1 साल की वारंटी भी आपको मिल जाती है। अगर कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कोई आइस चैम्बर नहीं मिलता है, बट कूल फ्लो डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छी कूलिंग कर देता है। तो अगर आपको एक डिजर्ट एयर कूलर चाहिए एक मीडियम साइज रूम के लिए जिसका एयर थ्रो भी अच्छा हो, एयर को भी फिल्टर करे, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये सिम्फनी स्टॉर्म कूलर सबसे बेस्ट है। ये कूलर आपको अमेजोन पे 10 से 11 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा। इसका प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है आप वहाँ से जाके इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट कूलर्स जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है एक बेस्ट कूलर चूज करने में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ लेके आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।